सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग दर्ज की है। फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन पर 33.75 करोड़ की कमाई की है। फिल्म की कमाई को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सलमान खान और फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म से जितनी उम्मीदें बांध रखी थी उस हिसाब से उन्हें अपनी मेहनत का फल अब मिलता दिखाई दे रहा है। इस फिल्म को क्रिटिक्स से भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। आपको बता दें कि जब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई तो उसे भी फैंस ने शानदार रिस्पॉन्स दिया। फिल्म के सॉन्ग्स और सलमान कटरीना की जोड़ी ही इस फिल्म की यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसके अलावा इस फिल्म में सलमान कटरीना अपने एक्शन भरे अंदाज में नजर आए। सलमान की पिछली फिल्म ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म के मेकर्स को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स न मिलने के कारण मेकर्स को काफी नुकसान सहना पड़ा। आखिर में सलमान को फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके पैसे भी लौटाने पड़े। लेकिन अब टाइगर जिंदा है सलमान के लिए एक राहत बनकर आई है। वीकेंड्स पर इस फिल्म की कमाई में और भी बढ़ोतरी होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। टीम इंडिलिंक्स।